हेलो सलाम नमस्ते। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इजी और फन रेसिपी। इसे आप सुबह में ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हो टोस्ट के साथ, शाम को नाश्ते में पीटास के साथ, बहुत अच्छी लगती है। इट्स अ मेडिटेरेनियन डिलाइट एंड इट इज सो सिंपल टू मेक दैट आई हैड टू शेयर इट विद यू। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए भीगे हुए बॉईल किए हुए चने। इसे मैंने रात को 3/4 ऑफ अ कप भिगा दिया था। अब ये 1 कप से थोड़ा ज़्यादा हो गया है भीग करके, और उसके बाद मैंने उसे कुकर में नमक डाल करके गला लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए नमक, नमक अपने स्वादानुसार आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 टीस्पून। मुझे गार्लिक का फ्लेवर पर्सनली बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसमें डालूंगी 3 फ्रेश गार्लिक क्लोव्स। आप 2 भी ले सकते हैं। और स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट तहीनी पेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है अच्छा हमस बनाने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो और आप उसके बजाय 1 चम्मच दही डाल सकते हो, बट वो नटी फ्लेवर विच इज़ द हाईलाइट ऑफ हमस इसी से आता है। नॉर्मली ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, बट अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इट्स वेरी इजी टू मेक। इट्स जस्ट ब्लेंडेड सेसमे सीड्स, जो तिल होती है वाइट वाली, उसे भून करके उसे हमें उसका पेस्ट बनाना है थोड़ा सी ऑयल डाल करके। दैट्स प्रेडोमिनेंटली व्हाट अ तहीनी पेस्ट इज। एंड वी विल नीड आधा नींबू। ट्रिक इसकी ये है इसे एकदम क्रीमी बनाने के लिए, जो ये चने हैं हमारे, हम उसे पील कर लेंगे। आई नो इट्स अ लिटिल It's hard work, but believe me, it pays off. और उतना time नहीं लगता। एक बार आपने इसे कुकर में गला लिया है, it's literally a matter of just pressing it around, and वो बहुत आसानी से निकल जाता है और बिल्कुल भी time नहीं लगता। तो अब ये सारे छिल चुके हैं and they've really become soft. They were soft, but वो peel करने से बहुत ही creamy texture आता है। आप peel नहीं भी करोगे तो optional है, आप उससे ज़्यादा blend कर लीजिए। एक और तरीका है, ये मैं छोटा सी बैच बना रही थी तो मैंने इंडिविजुअली एक एक को पील किया, बट अगर आप बड़ा बैच बना रहे हो और ऑफ कोर्स देन इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग, तो आप ये कर सकते हो कि बोल में उसे अच्छे से ऐसे स्क्रब कर लीजिए और फिर ढेर सारा पानी भर दीजिए, तो वो जो छिलके हैं वो काफ़ी हद तक एटलीस्ट 80% निकल के ऊपर आ जाएंगे। एंड देन यू कैन जस्ट वो वाटर जो ऊपर है जो कलेक्ट होता है, आप उसे ड्रेन कर दीजिए तो वो सारे छिलके निकल जाएंगे। मेरा छोटा सी बैच था तो मैंने बोला आज मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। अब इसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट टूल चाहिए द ब्लेंडर। मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है, बट आपको कोई भी ब्लेंडर चलेगा, जो भी आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर है वो एब्सोल्युटली चलेगा। इसे हम इसमें डालेंगे। सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की है कि अगर आपके पास भिगे हुए चने घर में हो, मैं अक्सर रखती हूँ, मैं एक बड़ा बैच रात को भिगा कर अगले दिन उसे बॉईल करके छोटे डब्बों में लाइक एक एक पोर्शंस बना के मैं अक्सर फ्रीज़र में रख देती हूँ, एटलीस्ट 4-5 पोर्शंस। आई एम अ वर्किंग वुमन, सो आई हैव टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर रेडिली अवेलेबल एट होम। कभी दिल हुआ तो अब मैं निकाल के उसे जल्दी से डिफ्रॉस्ट करके उसका छोला बना सकती हूँ, छोले बना सकती हूँ, या फिर जिस भी चीज़ के लिए ज़रूरत हो तो वो उसमें यूज़ कर सकती हूँ। दैट्स इट्स जस्ट अ गुड आइडिया। इसमें हम डालेंगे हमारा नमक, हमारे 3 गार्लिक क्लोव्स, हमारा तहीनी पेस्ट, ये बहुत अच्छी डिश है अगर आप घर में होस्ट कर रहे हो तो। एज अ स्टार्टर इफ यू कैन हैव दिस और आप थोड़े पीटास टोस्ट करके रख लीजिए तो बहुत ही एक अच्छा स्टार्टर हो जाता है। एंड ऑल्सो अगर आपको पीटा की रेसिपी चाहिए आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल पीटा की रेसिपी बताऊंगी, होल व्हीट में और मैदे में। तो हेल्दी वाला भी बना सकते हैं और जिसे मैदे वाला चाहिए आप वो भी बना सकते हैं। नींबू भी आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको आधा ही डालना है, बट टेस्ट के हिसाब से भी होता है, बट ज़्यादा खटाई भी नहीं अच्छी लगती। अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। और अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालेंगे,
जो आई थिंक मैंने शुरू में आपको बताया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक टू पुट टू मच ऑयल इन माई फूड बट ऑफ कोर्स ये हमस है और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल तो चाहिए तो ये मैं आई बॉल कर रही हूँ मैंने आई थिंक करीब एक टेबल स्पून या डेढ़ टेबल स्पून डाला है और बाकी का आधा टेबल स्पून हम ऊपर से डालेंगे उसके अंदर और अब हम देखते हैं कि क्या है इसके हालात really nice and creamy hummus अब हम इसे plate up कर देते हैं आप इस वक्त पे भी नमक try करके नींबू try करके देख सकते हैं अगर आपको कम ज्यादा लगे तो थोड़ा डाल करके वापस एक ब्लेंड कर लीजिए तो इट गेट्स ओके मुझे जार में छोड़ना पसंद नहीं थोड़ा सी एक डिजाइन दे दीजिए देन अ लिटिल बिट ऑफ चिली पाउडर काफी लोग इसमें जीरा पाउडर भी डालते हैं क्यूमिन पाउडर दैट आई अवॉइडेड और ऊपर से डिपेंड आपको कितना पसंद है काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है मेरे घर में थोड़ा अवॉइड करते हैं तो दैट्स इट हियर यू गो लगे ना 5 मिनट थोड़े ज्यादा मे बी अब हम इसे प्लेट अप कर लेते हैं यहाँ मेरे पास यहाँ पर है एक पीता जो मैंने गरम किया है बिकॉज फिलहाल सिर्फ मैं टेस्ट करने वाली हूँ इसे तो टेस्ट करें As usual, it's amazing. हमारे घर में इट्स अ फेवरेट स्नैक टू हैव हमस को हम काफी टाइम पेपर्स के साथ भी सर्व करते हैं अगर हेल्दी आपको वर्जन बनाना हो तो बट जनरली बच्चों का भी फेवरेट होता है और यू नो छोले इन दिस फॉर्म आई थिंक इट्स फिनोमिनल आई थिंक यू मस्ट ट्राई इट अगर आपने पहले कभी नहीं भी ट्राई किया हो घर में इतनी सिंपल सी रेसिपी है बनता है एक बार ट्राई करना ज़रूर से ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आप इससे कुछ अलग करते हो तो कैसा बनता है कॉमेंट्स में लिखिए एंड टू गिव मी फीडबैक और अगर आपको पसंद आई रेसिपी लाइक शेयर सब्सक्राइब आई बी वेटिंग फॉर दैट सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड टिल देन टेक केयर